नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुशे पथरिया और इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। यहां वे सरकारी कार्यक्रम के अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आम सभा के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही है। यहाँ सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अलग अलग डोम बनाए गए हैं। जब तक पीएम ग्राउंड में रहेंगे तब तक पीएमओ की तमाम गतिविधियां भी यहीं से संचालित होगी। मंच के ठीक बगल में पीएमओ के अफसरों के लिए डोम तैयार किया गया है। इस ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को बारिश और तेज धूप से बचाने के लिए 3 बड़े वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। बीजेपी ने आमसभा में 1.5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। साथ ही मुख्य मंच और डोम में बैठक व्यवस्था की तैयारियां अंतिम चरण पर चल रही है। पीएम प्रोटोकॉल के तहत मुख्य मंच की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी रायपुर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग 24 घंटे आम सभा की तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए हजारों जवानों की तैनाती की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। यहां वे सरकारी कार्यक्रम के अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आम सभा के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही है। यहां सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अलग अलग डोम बनाए गए हैं। जब तक पीएम ग्राउंड में रहेंगे तब तक पीएमओ की तमाम गतिविधियां भी यहीं से संचालित होगी। मंच के ठीक बगल में पीएमओ के अफसरों के लिए अलग से डोम तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी साइंस कॉलेज में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में लगभग 7500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 6400 करोड़ रुपए के 5 राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास कार्य शामिल है। इसके बाद वह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इन सबके तैयारियों को लेकर जायजा लेने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व सभा स्थल पर पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि पूरे कार्यक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लगातार जायजा ले रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं, हम सीधे आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वाटरप्रूफ ये पंडाल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सभा करेंगे। सामने मंच है और बड़ा विशाल का पंडाल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोगों को संबोधित करेंगे और बड़ा घोषणा करते हुए नजर आ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। साव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुँचने वाले हैं, क्या कुछ देखते हैं, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा? देखिए, एक शासकीय कार्यक्रम है जिसमें 7500 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात लेकर छत्तीसगढ़ के लिए आ रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में उनके आगमन को लेकर उत्साह का वातावरण है और कल की सभा जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है, कल की सभा निश्चित रूप से ऐतिहासिक और यादगार होने वाली है। लाखों से भी अधिक लोग यहां पर शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, किस तरीके से देखते हैं लोग बड़ी संख्या में पहुंचने, चुनाव भी नज़दीक है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लोगों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आकर्षण है, आम व्यक्ति देखता है कि आज भारत उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आम व्यक्ति को लगता है कि उनके लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं एक प्रधान सेवक के रूप में, इसलिए लोगों में उनको लेकर बड़ा आकर्षण है। लोग उन्हें अपने नेता के रूप में देखते हैं, तो निश्चित रूप से कल की सभा ऐतिहासिक होने वाली है। तैयारी तेज हो गई है और ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। इनके साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की सभा में देने वाले। लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता है वो सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर लगातार बीजेपी नेता सभास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह
ने एएनबी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेगी और आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। किस तरीके से रहने वाले हैं? ऐतिहासिक अवसर है हम सबके लिए। चार साल साढ़े चार साल बाद प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, इसलिए अद्भुत उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ में और लाखों कार्यकर्ता इस सभा में उपस्थित होंगे। विजय महासंकल्प रैली का इसको नाम दिया गया, किस रीति है क्या 2023 में विजय की फतह इस बार बीजेपी को मिलने वाली है? प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा और कार्यकर्ता पूरे हिम्मत के साथ आगामी चुनाव के लिए लगेंगे। 1,00,000 से भी अधिक कार्यकर्ताओं के अगर पहुँचने की आशंका जताई जा रही है। संख्या आ रही है और बड़ी संख्या आ रही है। सर, एक अंतिम सवाल है, अमित शाह आज बैठक की है, किस तरह देखते बैठक को लेकर के 2023 के लिए संकेत दे रहे हैं? संगठन के दृष्टि से कार्य योजना पर विचार हुआ, आगामी कार्य योजना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या क्या रणनीति से काम करेंगे उस पर विचार हुआ। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संगठन और 2023 के चुनाव को देखते हुए बैठक लिया गया और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे को लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी जन समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधित करेंगे और विजय महासंकल्प ये जो रैली है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले दो दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा कई मायनों में अहम माना गया। बीजेपी नेताओं की माने तो शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में घोषणा पत्र समिति से लेकर विधानसभा के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा की गई। ऐसी जानकारी मिली है कि शाह अपने साथ सर्वे रिपोर्ट लेकर आए थे जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के 3 दावेदारों का नाम था। इस पर नेताओं ने चर्चा की। इसके अलावा चुनाव अभियान समिति, चुनाव समन्वय समिति के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बैठक में अमित शाह ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं को 2-2 कहा कि सारे नेता छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले चुनाव पर फोकस करें, स्थानीय नेता तय करें कि सरकार बनानी है या नहीं, सिफारिश से कोई टिकट नहीं मिलेगा, लड़ोगे तो जीतोगे, जीतोगे तभी पाओगे, आपस में लड़ने के बजाय जीत के लिए लड़ो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एम्स में सीसीएचबी के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार है कि अगर किसी देश को समृद्ध होना है तो सबसे पहले देश के नागरिक स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है। देश में प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए 1600 से अधिक हेल्थ और एवेंजर्स कार्यक्रम रखे हैं। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की अहम बैठक ली। बैठक के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय कर्मचारियों के लिए डीए 5% वृद्धि, बीरनपुर के पीड़ित परिवार को नौकरी के साथ ही 29 बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में नगरीय निकायों,
में स्टाम्प शुल्क, नगरीय निकाय शुल्क और पंजीयन शुल्क में छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा वन विभाग में 2008 में जो नियुक्ति हुई थी उससे संबंधित तकनीकी दिक्कत को दूर करते हुए नियुक्ति के समय जो पे स्केल था उसे मान्य किया गया है। मंत्रिमंडल के बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें विषयवार नियुक्ति के संबंध में जो पहले प्रावधान किया गया था वो विषयवार नियुक्ति के प्रावधान का उसका भी जो वरिष्ठ वेतनमान एक प्रक्रिया है कि पोस्ट खाली नहीं होने से पदोन्नति और क्रमोन्नति करने के बाद जो वेतनमान में वृद्धि होती है उसके बारे में भी फैसला हुआ है। एक टाटा टेक्नोलॉजिस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन कराने के लिए एक एमओयू हुआ था, उसमें शर्त ये थी कि 60% का भुगतान उनको करना है और उसके बाद बाकी का भुगतान अलग अलग किस्तों में करने का प्रावधान किया गया था। तो जो एमओयू हुआ था उसका पालन किया जाए उसके उन्नयन के लिए। उन्नयन वरिष्ठ समाज से भी एक आपने नाम सुना होगा प्रभु दत्त खेरा, ये विकासखंड लोरमी में एक स्कूल उन्होंने प्रारंभ किया था अभ्यारण शिक्षण समिति, इसमें 7 कर्मचारी जो कार्यरत थे तो स्वीकृत सेटअप में उनको समय। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार सीएम शिवराज से मिलने आज सीएम हाउस पहुंचा, जहां आदिवासी दशमत का हाथ पकड़कर सीएम शिवराज सिंह भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाकर उसका पांव धोए, आरती उतारी और फिर तिलक लगाकर पीड़ित को शॉल ओढ़ाकर उसका सम्मान किया। सीएम ने कहा कि इस घटना से दुखी हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान हैं। आगे सीएम ने कहा कि दशमत तुम अब मेरे दोस्त हो। इसके बाद सीएम ने दशमत से कई विषयों पर चर्चा की। आपको बता दें कि आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार हो चुका है और उसके अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चल चुका है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द पीड़ा और व्यथा से भर गया, इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान, मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया, मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक के सीएम शिवराज ने सीएम हाउस में पैर धोए और आरती उतारकर पीड़ित को शॉल उड़ाकर सम्मान किया। तो वहीं सीएम हाउस से निकलने के बाद दशमत ने मीडिया से बातचीत की। सीएम से मिलने के बाद उसने कहा कि सीएम से मिलने के बाद अच्छा लगा, सीएम ने उन्हें सम्मानित किया और आगे हर संभव मदद का भरोसा दिया। सर मंत्री पास आए हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे मंत्री ने संघ में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिलके अब जा। सर मंत्री पास आए हमको बहुत अच्छा लगा,
हमारे मंत्री जी ने संघ में फोन लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं साहब। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, नजर डालेंगे खबरों पर। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार सीएम शिवराज से मिलने आज सीएम हाउस पहुंचा, जहां आदिवासी दशमत का सीएम शिवराज सिंह ने पैर धोकर उसका सम्मान किया। तो वहीं इस में पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की यह सब नौटंकी है, सिर्फ खबर बनाने के लिए यह सब दिखावा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उठाने की क्या आवश्यकता है, पूरा देश देख रहा है, ये तो राष्ट्रीय एक खबर बनी है। मुख्यमंत्री ने फोन में बातचीत की, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मुझे कोई लालच। सरकार भी तो आ जा सकती है, उन्हें प्रलोभन दे रही है, ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए। केदार शुक्ला का ये बात साफ हो गई है कि आरोपी कौन है और ये कहां, जहां जहां ये घटना हुई है आरोपी कौन है, इसमें कोई हमें देखने की आवश्यकता। सरकार पार्टी ने कुछ अलग से, इन्होंने यही समिति बनाएगी, यही कैमरा की नौटंकी करेगी और ये इनको तब क्लीन चिट दे देंगे। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे इस मुद्दे पर आप? ये हमारी पार्टी तय करेगी। धन्यवाद सर। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा, आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा, कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा, ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। आज जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी की हालात है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पेशाब कांड वाली घटना के बाद दो दलित युवकों को चप्पलों की माला पहनाने के बाद उनके मुंह में मेला भर दिया। मध्य प्रदेश सरकार इस घटना को लेकर सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का भी निर्देश दे दिया गया है। साथ इतना ही नहीं, सरकार ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की भी बात कही है। इसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये शिवपुरी के नरवर की, और तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है। और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए, एक दलित व्यक्ति के साथ में, एससी के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ में, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जो मूल रूप से आरोपी हैं, अजमल है, आरिफ है, साहिद है और इस तरह के आरोपी हैं, ये इस्लाम है, आरिफ खान है, इस तरह के 6-7 आरोपी हैं जिनने इस कृत्य को अंजाम दिया है। अत्यंत निंदनीय घटना है, कार्रवाई हो गई थी, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी, एनएसए की कार्रवाई हो गई। कोई मुश्किल कहीं नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार है, सख्त से सख्त कानून, कोई भी आरोपी कहीं भी हो उस पर तत्काल कार्रवाई। नेताओं से विधायक जो होंगे उनके प्रतिनिधि वो चुन के रखे हैं, उनका किसी एक घटना को लाइन नहीं बनाते हैं,
कांग्रेस की हो रहे हैं, ग्वालियर में हुआ है, अलीराजपुर में हुआ है, डिंडोरी में हुआ है, इस पर विमर्शन भी कर रहे हैं। अब इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का हाथ हाथापाई के साथ लगातार जिस तरह से हाथापाई हो रही है गुटबाजी की, कहीं आदरणीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का गुट लड़ रहा है, कहीं कांग्रेस के छोटे छोटे छत्रप लड़ रहे हैं, और अचंबा ये है कि छत्रपों के सामने लड़ रहे हैं। तो ये किसको फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। ये आगे की अंतर्कलह है और ये जानते हैं कि इन्हें अब सरकार में आना नहीं है, सरकार इनकी बनना नहीं। बालोद में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सूर्यगांव की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकृत अधिकारी ढाल सिंह देवांगन ने की। संस्था प्रबंधक गजेंद्र कुमार पटेल ने वर्ष 2022-23 को आय व्यय लाभ हानि और व्यापारिक लेन देन की जानकारी दी। साथ ही आगामी वर्ष की अनुमानित बजट और स्वीकृति के लिए पूरी जानकारी दी। आगे उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना से विशाल भंडारण किया जाएगा और आगामी दिनों में चिकित्सा शिक्षा गैस का काम भी सहकारिता से होगा। आज हमारे आदिम जाति सेवा सहकारी समिति ये आम सभा में कर्मचारी गण उपस्थित है और किसान उपस्थित है, उनके बारे में हमारे बड़े बड़े अधिकारी आए थे, वो उसको सब जानकारी दिया गया। बीमा के बारे में हमारे आर्य साहब के ने दिया और नैनो कंपनी इपको वाला नैनो कंपनी का इपको है ना, उसके बारे में दिया। यूरिया के बारे में जानकारी दिया गया और अभी शासन के बहुत सारे योजनाएं उसको शामिल किया जाएगा करके बता रहे थे हमारे सीओ साहब। इसमें सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर वार्षिक आम जलसा आयोजित कर समिति के आश्रित ग्रामों के जितने भी अंशधारी कृषक हैं उनको समिति के संबंधित समस्त गतिविधि की जानकारी प्रदान की जाती है। उसी के कर्तव्य में आज वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें समिति के समस्त गाँव के कृषक जनप्रतिनिधि और हमारे समिति के प्राधिकृत अधिकारी विभिन्न समिति के समिति प्रबंधक अनुपस्थित हुए। अंबिकापुर के आईटीआई कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले छात्रों ने हॉस्टल में अटेंडेंस शॉट के नाम पर पैसा उगाही करने का आरोप छात्रों के प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक पर लगाया है। दरअसल अंबिकापुर के आईटीआई हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को भोजन भत्ता के नाम पर शासन द्वारा राशि का अंतरित किया जाता था। वही प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा छात्रों से हॉस्टल में नहीं रहने के एवज में शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर 500 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक उगाही का आरोप छात्रों ने लगाया है, जिसकी शिकायत छात्रों के सरगुजा कलेक्टर ने की है कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेकर जांच की बात कही है। इधर प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सभी बेबुनियाद हैं, मैंने किसी भी प्रकार से छात्रों के रुपए नहीं लिया है, लिहाजा आईटीआई कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक ने अपने आप को पाक साफ बताया है। यह पूरा मामला जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। आईटीआई कॉलेज के छात्रों से पता चला कि वहाँ हॉस्टल के वार्डन के द्वारा इनसे अवैध वसूली किया जा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इनका जो साल भर में भोजन वृत्ति का पैसा आता है वो इनका करीबन 8000 रुपये लगभग आता है और उनको 6-6 महीना के हिसाब से मिलता है। उसमें से जब इनका पैसा आता है तो इनसे इनका जो पैसा है उनसे लगभग 2100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये इस तरीके से छात्रों से मांगा जाता है अवैध। और ऐसा हॉस्टल में कहीं भी अटेंडेंस का कुछ होता ही नहीं है और इनको बोला जाता है कि आपका अटेंडेंस नहीं है पूरा, इसका नाम आपका पैसा मांगा जा रहा है। और जब इन लोग बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे तो इन्हें डराया भी जाता है अलग तरीके से। तो आज उसी की शिकायत लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उनको ज्ञापन सौंप कर मांग किए हैं कि इस पर जाँच करवाया जाए और कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम पंकज कुमार पैकरा है। हॉस्टल यहाँ गांधी चौक अंबिकापुर में, यहाँ हम लोग को भोजन वृत्ति मिलता है 6 महीने का मिला है, उसमें गुरुजी कटौती कर रहा है, किसी से 1500 ले रहा है, किसी से 2100, किसी से 500, किसी से 1000 रुपया, मेरे से 1200 मांग रहा है तो मैं दिया नहीं। और बाकी लोग से भी मांगा है।
और इसमें से 100% छात्र में से 70% से ले लिया, 30% लोग बचे हैं देने के लिए। कितने आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे हॉस्टल में? वहाँ हॉस्टल वाले कुल टोटल 80 लोग रहते हैं। तो क्या नहीं देने पे कुछ बोलते हैं क्या? नहीं, नहीं देने पे कुछ नहीं बोलता है, बस वहाँ दो जन वो कैप्टन रखे हैं, उन लोग को रूम में लेने के लिए पैसा भेजता है। और ये वाला बातें मीटिंग में पैसा नहीं लेते हैं सर, सिर्फ वहाँ सर आते हैं रूम में, कैसे जी पंकज कितना दिन में दो दोगे पैसा, कल दे देना शाम तक, इस टाइप का। कौन है बोलते सर? हैं क्या नाम है? वो सबीर आलम है। क्या है ये? वो हॉस्टल वार्डन भी हैं, वहाँ टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। नहीं देने पे क्या होता है? नहीं देने पे अभी तक तो कुछ नहीं बोले हैं। तो क्या चाहते हैं आप? तो हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा साल भर में भोजन वृत्ति 12 महीने का मिलता है, ठीक ना, तो उसमें से 6 महीना का ही मिला है, 6 महीने का नहीं मिला है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चीज़? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि 6 महीना का और मिले, और जो भोजन वृत्ति में कटौती कर रहे हैं जो हमारे अधीक्षक सर, उसमें कुछ कार्रवाई की जाए। मांगा जाता है? नहीं, ये निराधार आरोप है। बच्चों का जो भोजन वृत्ति का पैसा आता है उनके अकाउंट पे ही सीधे जमा होता है। अकाउंट मैनेज के बाद ही पैसा मांगा जा रहा है? नहीं, ये 2500 गलत निराधार आरोप। उनका आरोप है कि आप ही बताते हैं उनको कि आपका अपसेट। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार।